नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राशि वालों, इतिहास बदल रहा है। फर्क होता है इंसान और भगवान में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। दोस्तों, जब भविष्य तुलना पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में फोकस करने की जरूरत होती है। बीत गई सो बात गई, पिछले दिनों को याद करके रोने से क्या फायदा। दोस्तों, याद रखिए कि कामयाब होने के लिए सिर्फ एक ही मौका काफी होता है और वह मौका अगस्त में आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मानिए वह सारी परेशानियों का अंत होने जा रहा है, क्योंकि मानो जीवन राशियों से बड़ा हुआ है। सकारात्मक के सोच के साथ चलते रहेंगे तो किस्मत कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तो आइए जानते हैं कर्क राशि फल। बुद्धि के दाता बुद्ध ग्रह 17 अगस्त से आपके धन भवन में प्रवेश कर जाएंगे। उच्च पद के दाता गुरु ग्रह पूरे महीने आपके सत्तन भाव में स्थापित रहेंगे। धन संपत्ति ऐश्वर्य लाभ के प्रदाता शुक्र ग्रह 31 जुलाई से आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जीवन में तरक्की के दाता सूर्य ग्रह भी 16 अगस्त तक आपके घर में रहेंगे। इसके बाद धन भाव में स्थापित होंगे। मंगल कामना की वृद्धि करने वाले मंगल ग्रह 17 अगस्त से कर्म भाव यानी व्यापार भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, यह ग्रह स्थिति के आधार पर हम जरूर कह सकते हैं कि 1 अगस्त से आपका इतिहास ही बदल जाएगा। कर्क राशि फल 2020 के अनुसार अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों को मेहनत का फल मिलने वाला है। अगस्त का महीना हर तरीके से उत्तम है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि धन भवन में विराजमान ग्रहों की स्थिति, जिसके फल स्वरूप आप बहुत सारी योजनाओं पर एक साथ काम करने का मन बनाएंगे और लाभ भी होगा। खासकर जीवन में पिछले कुछ महीनों से आपकी आजीविका का लेकर जो अस्थिरता बनी हुई थी वह इस महीने दूर हो जाएगा और आप अपने कार्य क्षेत्र व्यवसाय करियर में सफलता के मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। पिछले काफी समय से कार्य वृद्धि की और योजना इस महीने साकार हो सकती है और कर्म क्षेत्र पर अपने हित में लोगों को अपने पक्ष में कर सकेंगे, जिससे व्यापार और कर्म का विस्तार तो होगा लेकिन साथ में कुछ कठिनाइयां दूर होगी, समय पर काम होगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। सूर्य एवं बुध के धन भाव में युति बुध आदित्य योग के साथ धन योग का निर्माण कर रहा है, जिसके वजह से आपको बड़ा धन लाभ होगा। अगस्त में के लाभ का योग है। कर्क राशि के लोगों को अगस्त में करियर में बड़ी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। जो सूचना संचार उद्योग विज्ञान मीडिया हार्डवेयर आयात निर्यात कपड़े के व्यापार से जो जुड़े हुए हैं, क्षेत्र आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगस्त का महीना बेहतरीन सफलता लेकर आया है। अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त होगा, धन के स्रोतों में वृद्धि होगा। इस्मत का साथ मिलने से पुरानी लेनदारी रुका हुआ पैसा मिलने से आज रत महसूस होगा। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। संतान पक्ष से उत्साह वर्धक सूचना प्राप्त होगा। घर में भौतिक सुख सुविधाओं को भी वस्तुओं का आगमन होगा। छोटक मजदूरी रोजमर्रा के कार्यों में अचानक से वृद्धि होगा। 10 जुलाई के बाद आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो आपके जीवन का बड़ा बदलाव करने का बन सकता है। कार्य योग आपको पुनः उस जगह पर ले जाएगा जिस जगह पर आप कार्य करते थे। उस समय आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक समय रहेगा। आईटीआई इंजीनियरिंग हेल्थ एवं पेशेवर पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों को अपने पसंदीदा संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। आर्ट्स कॉमर्स और साइंस से जुड़े जातकों को शिक्षा से जुड़ा अच्छा समाचार मिल सकता है और वर्तमान परिस्थिति का लाभ भी मिलेगा। गोचर ग्रह की स्थिति नौकरी पेशा जातकों को इस महीने प्रमोशन की सौगात दिला सकता है। पदोन्नति के साथ सैलरी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इस महीने आपका आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा मजबूत रहेगा। आय बढ़ने से और धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। शुरुआत के दिनों में काम एवं पूंजी निवेश संबंधित योजनाओं में अप्रत्याशित लाभ तो प्राप्त होगा, जिससे कर जो शेयर बाजार एवं सट्टे में धन लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सिद्ध रूप साबित हो सकता है।
धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। विशेष कर सरकारी एवं प्राइवेट जॉब के लिए साथ कर जातकों के लिए इस समय सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। 99% संभव है कि आप जिस जगह नौकरी पाना चाहते हैं वहां पर आपको कार्य करने का अवसर मिल सकता है। इस अवधि में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। विशेषकर नौकरी प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उन्हें इस अवधि में किसी नेशनल कंपनी से जुड़ने का ऑफर मिल सकता है। अगस्त की आखिरी में नौकरी मिल सकती है। निश्चित कामनाओं की पूर्ति होगी। धन प्राप्त होने से पारिवारिक सुख के साथ निजी जीवन में आनंद का अनुभव बढ़ सकता है। जिसके साथ साथ दो जातक पहले से ही नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी अन्य व्यवसाय में हाथ आजमाने का मौका मिल सकता है। आपको कार्य के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। भागीदारी से मिले लाभ हो सकता है। यकीनन अगस्त का महीना आपके लिए उपलब्धियों भरा रहने वाला है। किस्मत का साथ मिलने से आपके कार्य क्षेत्र पर अधिकारी एवं सहयोगों का साथ मिलेगा और हर जगह आपका स्थिति नियंत्रण रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टि से भी समय आपके लिए शुभ कारक है। फिर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको बड़े संकट की ओर ले जा सकती है। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपकी आशाओं पर 100% खरा होने वाला है। व्यापार का विस्तार होगा या शत्रु पर आप विजयी होंगे। व्यापारी शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे जिसका सीधा असर आपके व्यापार पर होगा। अधिक मुनाफा आपको सफलता की और दिशा की ओर ले जा सकता है जहां से आप वापस मुड़ के भी नहीं देख सकते। यानी कि आप अपने शत्रुओं को सच करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे। व्यापार से जुड़ी यात्राएं थकान भरी जरूर होगी लेकिन आपके लिए समय सफल साबित हो सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग कार्य में परिवर्तन या उसके साथ कुछ और जुड़ सकते हैं। चाहे जायदाद से जुड़े मसलों में लाभ होगा। कर्क राशि वालों, यकीनन यह अगस्त का महीना धन संपत्ति प्रेम दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन में वृद्धिदायक रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आपकी कार्य करने की शैली आपकी योग्यता और योजनाओं को प्रबल कर देगा। आपका लोहा लोग इस समय अधिकारी मानेंगे। कुल मिलाकर अगस्त के महीने में कर्क राशि वाले को बहुत सारे जातक अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। जिससे कार्य कर रहे वहां से तो धन प्राप्त होगा ही, इसके साथ साथ आपको उस जगह से भी धन मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी छोड़ रखी थी। कोई नई जमींदारी या पद भर आपको मिल सकता है और धन की अधिक स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है। भरोसा रखिए, यदि आप अपने आप पर भरोसा कर पाएंगे तो यकीन किस्मत की गति आपको दुख दुविधाओं को नैया को किनारे तक ले जा सकता है। पति पत्नी के रिश्ते में सुधार होगा। परिजनों में आपसे सबल सब दिखने का मिलेगा। रस का महीना अप्रेम जीवन के लिए भी यादगार रहने वाला है। अभी तक आपके जीवन में प्रेम का पुष्प नहीं खिला है, प्यार के एहसास से भी अछूते हैं, तो इस समय कोई ऐसा शख्स आपके जीवन में आ सकता है जिसके साथ आप भविष्य में आपका रिश्ता जुड़ सकता है। इस महीने आप अपने लव लाइफ में एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, अपने रिश्तों को एक नई मजबूती देंगे जिसके परिणाम स्वरूप आप और आपके प्रियतम का रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपसे विश्वास बढ़ेगा। इस महीने कई ऐसे मौके भी मिलेंगे जब आप अपने साथी के साथ सुख भरी पल बिता पाएंगे। प्रेम प्रसंग की भावनाओं के लिए यह महीना काफी शुभदायक कहा जा सकता है। विवाह योग के जातकों को मनपसंद साथी चुनने का अवसर प्राप्त होगा। आप में से कुछ जातक विवाह के बंधन में बन सकते हैं लेकिन याद रहे अगस्त में विषम परिस्थिति होगा, निर्माण भी होगा। उस समय आपको खुद को निर्णय लेना होगा। साथ में इस महीने में आपको नकारात्मक लोगों से दूर ही रहना होगा। सकारात्मक सोच के साथ चलते रहेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।